कोई संस्थान, ये कोसी है, कोसी की पवित्र मिट्टी पर अगर कोई संस्थान शिक्षा के बदले वो बलात्कार का संस्थान हो जाएगा तो उसको मिटा के रहेंगे। आप ताले लगाने, ताले नहीं लगे, ईंट ईंट खींच लिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे। और ये काम, इस काम के लिए आगे हमारी बहने होंगी, पीछे आनंद। लड़कियों को नंगा घुमाया गया था, स्तन पर ब्लेड चले थे, लड़कियां गायब कर दी गई थी हॉस्टलों में, कई कई दिन उनके साथ रेप हुआ था। आनंद मोहन मंत्री पद को लात मार के अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। विद्यालय का काम संस्कार देना होता है, ज्ञान देना होता है, ज्ञान की ज्योति जलानी होती है, लेकिन आज हमारा सफर शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ चला आता है जहाँ एक संस्थान में बच्चियों का रेप होता है, सिलसिलेवार रेप होता है। हमारा सफर आज़ादी का कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ आके भटक गया। आज़ादी की दुल्हन को जाना कहीं था और चला कहीं गया। आना था विकास को, गांव तक, झोपड़ियों तक, आज अडानी और अंबानी की अट्टालिका में अटक के भटक के रह गया। ये मुल्क हमने बनाया है, और इसलिए मैं कहूँ आप सबको चिंता करनी है। ये एक बेटी उदाहरण है, एक रेप बहाना है, खड़े होने के लिए इसके खिलाफ संकल्पित भाव से कि हम आजाद भारत में बच्चियों का रेप देखने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी, उसकी चीख सुनने के लिए हमारे पुरखों ने यह आजादी और लोकतंत्र की बहाली नहीं की थी, यह आपको खुली नजर से, खुली आंख से देखना और समझना होगा। साथियों, निर्भया कांड हुआ, हमने सोचा कि कानून सख्त होंगे और उसमें कोई छूट ना मिलेगी, आगे से एक नजीर पेश होगा कि कोई भी हमारी मासूम पर हाथ उठाने के पहले, आंख उठाने के पहले सहम जाए, डर जाए। कानून बने, पता नहीं कैसा कानून बना कि उनके डर, भीतर का डर नहीं गया। हमने आज़ादी का सफर तय किया था ये संस्थानों में बलात्कार के लिए नहीं, ये 90 के दशक में इसी तरह बच्चियों के साथ को नंगा नचाया गया था। आनंद मोहन आज कहने के लिए मजबूर है कि जनों जात पूछ कर काटे गए थे, मंदिरों में जाकर वेदना के साथ कहना पड़ता है कि उन्हीं के हथेली पर थूक डलवा के उन्हीं का टीका मिटाया गया था। और आनंद मोहन खड़ा हुआ था उस सवाल पर, मंत्री पद को लात मार के, ये देश है, मैं कहना चाहता हूँ, धरना पर बैठे विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपनी माताओं को, बहनों को, ये देश है जहाँ एक सीता का अपहरण हुआ, रामायण हो गया, रावण की लंका जल गई। जो हुआ वो अन्याय था, और आज भी जो हो रहा है, तब लड़कियों को नंगा घुमाया गया था, स्तन पर ब्लेड चले थे, लड़कियां गायब कर दी गई थी हॉस्टलों में, कई कई दिन उनके साथ रेप हुआ था। आनंद मोहन मंत्री पद को लात मार के अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज भी मैं भरोसा दिलाता हूँ, कोई संस्थान, ये कोसी है, कोसी की पवित्र मिट्टी पर अगर कोई संस्थान शिक्षा के बदले वो बलात्कार का संस्थान हो जाएगा तो उसको मिटा के रहेंगे। आप ताले लगाने की बात करते हैं, होश में आए लोग, मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा व्यक्तिगत तौर पर और आपकी वेदना को उन तक पहुंचाऊंगा।
ताले नहीं लगे, ईंट ईंट खींच लिए जाएंगे, ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और ये काम, इस काम के लिए आगे हमारी बहनें होंगी, पीछे आनंद भाई। ताले नहीं, ईंट से ईंट बजाए जाएंगे। संस्थान को ध्वस्त करने का संकल्प लो, चाहे इसको जितना प्रोवोकिंग स्पीच कह दो आनंद मोहन का, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा आजादी के 77 साल के बाद। साथियों, मैंने कहा कि लोग धमकी देते, ऐसे धमकाने वालों से धमकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा जो डर गया मानो मर गया। लेकिन अब जो आक्रोश मार्च होगा उसमें 10,000 सिर्फ महिलाएं होंगी, और पीछे से आनंद मोहन खड़े मिलेंगे आपके साथ, ये भरोसा दिलाते हैं। गुंडों से डरिए मत, पालतू गुंडों से, इनकी औकात नहीं है। इंसान शैतानों की औकात किसी युग में नहीं हुआ कि वो इंसान से नजर मिला सके। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए आप सब मिल करके जो निर्णय लेंगे, मेरी भी जो भूमिका आप तय करेंगे, जो तिथि आप निर्धारित करेंगे, उसमें आनंद मोहन ये वचन दे के जाता है, ये कसम खा के जाता है, इस लड़ाई को मंजिल देने का काम हम लोग करेंगे। सर, सर बिहार पुलिस गरीबों को परेशान कर रही है, गरीबों का FIR नहीं लेती है। नौहट्टा में एक 15 साल की लड़की लापता है, बिहार पुलिस केस नहीं ले रही है। आखिर बिहार पुलिस सरकार को बदनाम करती है, सरकार तो एक्शन लेती है, बिहार पुलिस एक्शन नहीं लेती है। सरकार तक इस बात को ले जाएंगे और हम SP साहब से भी बात करेंगे इस अमल। और सर, इस बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? सर अभी तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था, लेकिन स्कूल चल रहा है। अब हम लोग आए हैं, पटना से भी हमारी बहनें आई हैं। आज के बाद क्या एक्शन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे की रणनीति कल बैठ करके बनाएंगे। तो देखा आपने, आनंद मोहन जी ने साफ तौर पर कह दिया कि बच्ची को न्याय मिलेगा, स्कूल का एक एक ईंट उखाड़ लिया जाएगा।